योगी योगी योगी, अरे कुछ तो नया कीजिए योगी जी, या बस डर की ही राजनीति करके सत्ता पर बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, डर की राजनीति एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। डर की राजनीति इस कदर शुरू कर दी गई है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर कुर्सी बचाने के लिए ऐसी ऐसी लाइन बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे कि भैया कुर्सी बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो होता आप राजनीति कर लेते, जनता का भरोसा जीत लेते, तभी तो आप को ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2024 से ही कम से कम आप सीख ले लीजिए कि 2024 में ये हिंदू मुसलमान करके आपने क्या पाया, सिवाय और सिवाय सिर्फ और सिर्फ आपने कुल अपनी सीटें घटा दी। जो 62 सीटें हुआ करती थी, 65 सीटें हुआ करती थी, वो 33 पर आकर अटक गई। अभी भी कम से कम अभी भी विकास करके लोगों से वोट मांगिए, लोगों के दिलों में जगह बनाकर वोट मांगिए, बेरोजगारी खत्म कर कर महंगाई खत्म कर कर वोट मांगिए। लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक बीजेपी की राजनीति है, योगी बाबा सत्ता में हैं, बिना हिंदू मुसलमान के कोई राजनीति हो ही नहीं सकती है। अभी ताज़ा तरीन योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है दोस्तों। इस बयान को सुनकर पहले तो आप हंसिएगा, फिर उसके बाद बोलिएगा कि योगी बाबा आप कहाँ थे, आपको तो पहले ही होना चाहिए था, फिर तो पाकिस्तान अलग ही नहीं होता, हिंदुस्तान का ही हिस्सा होता। वैसे तो बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं, चलिए ये भी करके देख लीजिए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाकर अच्छी बात है, और भी बड़ा सुंदर देश हमारा हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान की हालत पर आप रोना कम रोइए, हिंदुस्तान में अपने लोगों के बारे में देखिए, पाकिस्तान को मरने दीजिए, भाड़ में जाने दीजिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपको बता दूं दोस्तों कि योगी बाबा जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, तभी तो वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की जनता के बारे में बात ना करके, उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में बात ना करके वो कर रहे हैं पाकिस्तान को हम हिंदुस्तान में मिला लेंगे। पहले अपने प्रदेश को तो संभाल लीजिए, अच्छी बात है आप पाकिस्तान को मिला लीजिए, श्रीलंका को मिला लीजिए, बांग्लादेश को मिला लीजिए, तमाम राज्यों को मिला लीजिए, अफगानिस्तान को भी मिला लीजिए, इसके लिए बहुत तालियां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अपने प्रदेश को तो संभालिए, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, आए दिन इतना क्राइम हो रहा है, इतनी ज़्यादा, जी हाँ इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं, जान गंवा दे रहे हैं, फांसी पर लटक जा रहे हैं, पानी में डूब जा रहे हैं, लेकिन वो सब छोड़ करके आप चले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश करने। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुबह से ही वायरल हो रहा है, और गोदी चैनल्स इस बयान को सुनकर ऐसे उड़ रहे हैं जैसे वाकई योगी आदित्यनाथ ने जो है वो कर्तव्य कर दिखाया है जो वो बोल रहे हैं। कर लें फिर बोलिए तो अच्छा लगता है, ये सब बोल करके सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन वाली बातें अच्छी नहीं लगती है योगी जी। लोग हंस रहे हैं, यूज़र्स हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। अब देखिए योगी आदित्यनाथ का जैसे ये वाला बयान सामने आया, जी न्यूज़ तो ऐसे तड़फड़ाने लगा कि जैसे वाकई सब कुछ हो गया है। देखिए भारत में शामिल होगा पाकिस्तान, योगी के बयान से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। थोड़ा धैर्य रखिए, दुनिया भर में क्यों हड़कंप मचेगा, दुनिया भर में इन बातों से, हल्की बातों से हड़कंप नहीं मचता है, पहले कर लीजिए फिर हड़कंप मचाइए। खैर जी न्यूज़ वाले हड़कंप मचा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि किस तरीके से जो है इस बयान का क्या मतलब है, क्या मतलब है, कोई ऐसी बात कीजिए जिससे लगे कि हाँ कोई आप बात कर रहे हैं, दमदार बात कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आप कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया है, अरे आपको बांग्लादेश की चिंता है, बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता है, हम सबको चिंता है, एक एक लोगों की चिंता है, जिनका जान जो है वो बिना किसी वजह के जा रहा है उसकी चिंता है। हम सब इस बात को लेकर निंदा करते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है या फिर फिलिस्तीन में हो रहा है, उन तमाम चीज़ों पर हम निंदा करते हैं। अरे ये मत भूलिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो फिलिस्तीन में भी बीते कई महीनों से हो रहा है,
लेकिन फिर भी आपको हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना है तो कीजिए। आगे देखेंगे जनता आप पर कितना भरोसा जताती है और जनता आपको कितना सराहती है, क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव को देखकर इस तरीके का बयान देकर दुनिया भर में हड़कंप मचा रहा है जी न्यूज़ आपके बयान से। देखते हैं दुनिया भर में कितना हड़कंप मचता है। अब चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ साफ साफ तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी योगी कितने महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। योगी आदित्यनाथ बीते 7-8 सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बावजूद भी 7-8 सालों तक ना पाकिस्तान को ला सके हिंदुस्तान में मिलाने के लिए, ना बांग्लादेश को, ना अफगानिस्तान को, ना श्रीलंका को, कम से कम कोई एक देश तो मिला ही लेते, तब बताने में मज़ा आता। अब देखिए, अखिलेश यादव बीजेपी के अंदरूनी कलह पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार या तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई हैं सवाल। इस वक्त बीजेपी में जो अंदरूनी कलेश है दोस्तों, उस कलेश को लेकर लगातार सवाल सवाल और सवाल उठ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कुर्सी बचाने के लिए एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में किस तरीके से बीजेपी का एक नेता 17 करोड़ रुपए उड़ा ले गया, उसको कम से कम पकड़ लीजिए। देश की जनता का, गरीब जनता का गाढ़ा कमाई पैसा है, उसको आपके ही नेता के ज़रिए उड़ा लिया गया है। कहा जा रहा है दोस्तों, नोएडा में नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हर्ष का सीए भाई शुभम बंसल फरार है। दोनों भाइयों ने फर्जी फॉर्म बनाई है, फिर उन खातों में नैनीताल बैंक से 17 करोड़ रुपए उड़ा दिए। अखिलेश यादव ने इस खबर को भी शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा का राज, बैंक का पैसा साफ है, अपने शासन में आप ये फ्रॉडगिरी नहीं रुकवा पा रहे हैं और आप चले हैं। खैर, क्या ही बोलूं दोस्तों, अब आप खुद ये डिसाइड कीजिए कि जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं वो क्या जड़ की राजनीति है या फिर सच में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो, हर जानकारी आपको फटाफट पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।